हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मेरे चैनल जिसका नाम है कीर्ति झा किचन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, यानी माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है और हमारे यहाँ भी पंडित जी आ चुके हैं, पूजा शुरू हो चुकी है। फूल, दीप, अगरबत्ती, नैवेद्य ये सब अर्पण करके माँ की पूजा आज शुरू हो चुकी है। ये सब जो 9 दिन है, हमारे घर का माहौल इतना पवित्र हो जाता है और घर बिल्कुल भरा भरा सा लगता है कि यानी हमारे यहाँ माँ दुर्गा आई हुई है, उनका पूरा ख्याल रखना है। तो यही सब करते करते पूरा दिन निकल जाता है। तो अब चलते हैं किचन की तरफ, जिसमें मैं बनाऊंगी वर्मीसेली उपमा विदाउट अनियन एंड विदाउट गार्लिक, जो मैंने शुरू की है सीरीज जिसका नाम है कुकिंग विद नो अनियन नो गार्लिक। तो आज इसमें मैं बनाऊंगी वर्मीसेली उपमा, जिसमें देखिए रोस्टेड वर्मीसेली है मेरे पास और एक ये है शिमला मिर्च, टमाटर, काजू, अदरक, हरी मिर्च, हींग और देसी घी है। और मैं ये पूरे 9 दिन में सेंधा नमक इस्तेमाल करती हूँ, तो ये है सेंधा नमक और इसी से मैं भोग बनाऊँगी और माँ को अर्पण करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से वर्मीसेली उपमा बनेगी। किस तरीके से कढ़ाई चढ़ा दी है, गरम हो गया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी, घी के साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा राई डालेंगे और ये हींग। बहुत ही अच्छा लगता है बिना प्याज और बिना लहसुन के खाना भी। तो एक बार मेरे साथ बने रहिए विद नो अनियन एंड नो गार्लिक, बहुत मज़ा आएगा इस सीरीज़ में। कोशिश करूँगी मैं कि 3-4 रेसिपीज़ डाल दूँ, क्योंकि काम बहुत बढ़ जाता है। अब हम इसमें ये अदरक डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, ये कड़ी पत्ता, और ये शिमला मिर्च। इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। देखिए ये सॉटे हो गया है। अब हम इसमें ये टमाटर डाल देंगे और ये काजू भी डाल देंगे। अब हम इसको भी 2-3 मिनट सॉटे करेंगे। देखिए ये सॉटे हो गया है अच्छे से। अब हम इसमें ये सेवई डाल देंगे, ये रोस्टेड है तो हम 2 जनों के लिए बना रहे हैं, तो आधा पैकेट हम ये इसमें डाल देंगे। इसमें हम ये थोड़ा सा किचन किंग मसाला डालेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है जिससे को हम इसको हम यूज ना कर सकें। ये हो गया। अब हम इसमें ये सेंधा नमक डाल देंगे, और इसको भी हम 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करके भूनेंगे। मैंने इसको भी सॉटे कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, पानी से इतना कि ये हल्का सा इसमें ये डूब जाए। ये देखिए बस इतना ही सारा इसमें हम डाल देंगे और इसको हम ढक के छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए पकने के लिए। ये हमारे 5 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं। ये देखिए हमारी वर्मीसेली उपमा बनके तैयार है विथ नो अनियन एंड नो गार्लिक। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसमें हम ये आधा लेमन जूस डाल देंगे, आधे नींबू का। तो ये देखिए पूरा डाल दिया है मैंने। अब इसको हम अच्छे से
मिक्स कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल ही फ्लफी बन गया है और इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक के। तो ये देखिए मेरी थाली तैयार हो गई है विद नो अनियन एंड नो गार्लिक। मैं जा रही हूँ माँ दुर्गा को भोग लगाने के लिए। तो अगर आप लोगों को ज़रा सा भी मेरी ये वीडियो, मेरा ये नो अनियन गार्लिक वाली सीरीज़ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और फिर से आप सभी लोगों को, मेरे प्रिय डियर सब्सक्राइबर्स को नवरात्रि की दूसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।